जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। इस दौरान देवी दुर्गा धरती पर आती हैं और यदि आप इस दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करें तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप नवरात्रि में धन समृद्धि तरक्की पाने के लिए कुछ आसान से उपाय करते हैं तो आपको बेहद ही लाभ साबित होगा। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है धन संबंधी, या फिर आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक पान का पत्ता कहीं से भी ले आइए, दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। उस पत्ते को जिन भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, या फिर नौकरी संबंधी प्रॉब्लम है, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर कुछ भी तकलीफ है, तो आप एक पत्ता ले लें। पत्ता पान का बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा ना हो। और विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पान के पत्ते में डंडी जरूर होनी चाहिए, थोड़ी सी डंडी आप जरूर होनी चाहिए। कहा गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ में पान का उपयोग जरूर किया जाता है। बिना पान के प्रयोग से पूजा अधूरी मानी गई है, तो हम नवरात्रि के दिनों में माता को पान से ही प्रसन्न करेंगे। पान के पत्ते को ले लें, जिस भी व्यक्ति को जो भी परेशानी है उसके हथेली पर रखें। हथेली पर रखकर आप लाल सिंदूर ले लें, या फिर आप हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी मिलाएं, घी मिला करके उससे अपना नाम लिखें। पान के पत्ते पर अपना नाम लिखना है, आप उंगली से भी लिख सकते हैं और किसी लकड़ी या फिर कुछ भी ऐसा ले लें जिससे आप लिखावट अच्छी आए, और अपना नाम लिखें और माता रानी के चरणों में आप उसे डाल दें, आप उसे समर्पित कर दें। माता रानी के 9 दिनों में यह कार्य कभी भी किया जा सकता है। इन 9 दिनों में आप कभी भी किसी भी वक्त यह कार्य कर सकते हैं और माता को प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा आपको नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन में शुरू कर सकते हैं, 3 दिन तक लगातार करना है। माता के यहाँ जाना है और पान को अर्पित करके आना है। तो दर्शकों, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। पूरी श्रद्धा निष्ठा से कीजिएगा यह उपाय। और भी कई उपाय जानने के लिए हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आकर के देखिएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा आपको। अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।